हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि तकरीबन एक महीने से मेरी चाची साहब जो बहुत बीमार चल रही थी, तो 3 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनकी मगफ़िरत के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों की बख्शिश करे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटी भिंडी प्याज की रेसिपी, जिसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तकरीबन 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आप भी बहुत कम वक्त में कुछ स्पेशल सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो आप ये सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसको मैंने धो के और टॉवल से अच्छी तरह से सुखा लिया था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखिए लंबाई में से मैंने 3-3 टुकड़े किए हैं, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी बड़ी है। और उसके बाद में मैंने इसके बीच बीच में से 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब ये भिंडी बड़ी ज़रूर है, लेकिन ये एकदम सॉफ्ट है, कड़क नहीं है। अगर आप छोटी भिंडी लेते हैं तो आप बीच में से 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से भिंडी को काट के रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने स्लाइस करके रखा है। यहाँ पे 5-6 कलियाँ लहसुन के ली थी, जिसको मैंने पहले बीच में से कट करके उसके बाद में पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। यहाँ पे 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, जिसको बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। तो मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग थोड़ा सा तीखा ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैंने मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा ली है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें भिंडी डाल देंगे। और भिंडी डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, हाई फ्लेम पर ही। इसको कम से कम हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इस तरह से फ्राई करके बनाने से भिंडी की स्टिकीनेस जो होती है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब इसको फ्राई करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। तो मैंने यहाँ पे भिंडी में 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है, और हल्दी डालने से इसका कलर जो है बहुत अच्छा रहेगा, मतलब एज इट इज़ ग्रीन ही रहेगा। और हल्दी डालने के बाद में भी हम इसको इसी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि भिंडी पे ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ जाते हैं। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टीस्पून भर के बेसन। और बेसन डालने के बाद में भी हम भिंडी को अच्छी तरह से भून लेंगे, और हमको इतना भूनना है कि बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे और भिंडी जो है वो काफ़ी श्रिंक हो जाएगी, काफ़ी इसका जो पानी है रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भिंडी हमारी जो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और बेसन भी हमारा भून चुका है। तो आप देख सकते हैं कि भिंडी जो है काफ़ी कम हो गई है, अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसे भुनने में मुश्किल से हमें 2-3 मिनट का टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब सेम कढ़ाई में मैंने कम से कम 2-3 टेबल स्पून भर के ऑयल लिया है, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाला है, और ज़ीरा जैसे ही तड़क जाएगा तो हम इसमें लहसुन डाल देंगे जो कि हमने काट के रखा था। और लहसुन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ही ज़्यादा बारीक कटा हुआ तो फ़ौरन ये कलर चेंज हो जाता है इसका, तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तकरीबन 15-20 सेकंड पकाने के बाद में हम इसमें प्याज डाल देंगे, और प्याज को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को भी हम प्याज के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन 1/2 मिनट तक। और उसके बाद में हम वापस से इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए 1/4 टीस्पून के करीब इसमें मैंने हल्दी ऐड किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने भिंडी में हल्दी डाल चुकी थी। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली है, और थोड़ा सा इसको भून लेने के बाद में हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे, और भिंडी को डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1/2 से 1 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद में हम इसमें मिक्स कर देंगे क्रश किया हुआ धनिया। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया डाला है, और 1/2 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाली है, इससे कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और धनिया का तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लिए थे। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है तकरीबन 1 चम्मच के करीब, यानी 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और ढक्कन बंद करके इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि भिंडी और टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाते हैं।
और यहाँ पे देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारी भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। भिंडी भी गल चुकी है, टमाटर भी अच्छी तरह से हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हम फाइनल टच देंगे, तो इसके लिए आप चाहें तो इसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर सकते हैं, नींबू का रस या तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें टमाटो सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें टमाटो सॉस ऐड कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और टमाटो सॉस डालने के बाद में मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भिंडी का कलर जैसा था वैसा ही है, यानी एकदम ग्रीन कलर, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। और देख के ही आपको लग रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त, कितनी टेस्टी बनी है। और फ्रेंड्स, हमने इसमें जो बेसन डाला है और जो मैंने क्रश किया हुआ धनिया चिली फ्लेक्स डाला है, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और टमाटो सॉस से तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो अगर आपको टमाटो सॉस का टेस्ट पसंद है तो आप डालें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें नींबू या आमचूर वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए और फिर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसे लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।